नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पिछले दिनों एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मामले में अब थाना बीएनपी पुलिस ने महिला के पति सहित सास ससुर पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का केस दर्ज किया है। पिछले दिनों तुलजा विहार कॉलोनी में रहने वाले ग्रेट एंजल स्कूल के संचालक की पत्नी निशा रघुवंशी उम्र 35 द्वारा स्कूल के कक्ष में फंदे पर लटक कर जान दे दी थी। थाना बीएनपी पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि निशा के पति व सास ससुर द्वारा उसे परेशान किया जाता था, जिससे तंग आकर महिला ने जान दी थी। थाना बीएनपी पुलिस ने बताया कि जांच के बाद मृतका निशा के पति आशीष रघुवंशी, ससुर मनोहर सिंह रघुवंशी व सास आशा रघुवंशी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। सर, निशा रघुवंशी मामले में क्या किस तरह की जांच चल रही है? देखिए, एक महिला ने सुसाइड कर लिया था, बीएनपी थाना क्षेत्र की घटना है। तो उस महिला के कॉल डिटेल्स और उसके जो रिकॉर्ड्स एविडेंसेस जो आए हैं उसके आधार पर कल एक 306 का प्रकरण कायम किया है, जिसमें उसका पति और उसके सास ससुर तीनों आरोपी हैं। जल्दी इस मामले में गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। सर, क्या कारण था, कुछ कारण का क्या है? उस एविडेंसेस के आधार पर ये प्रमाणित हुआ है कि वो प्रताड़ित किया जा रहा था उसको, और उसके आधार पर उसमें कायमी की गई है और कायमी के बाद उसमें गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। सर, बताया गया पुलिस द्वारा कि पति की भी दूसरी शादी थी इसमें, और किस तरह एक्सटर्शन वगैरह कुछ? देखिए, इसमें अब प्रकरण दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो जो तथ्य आएंगे जिनके आधार पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये घटना कारित हुई है, उन सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करके फिर हम लोग कोर्ट में चालान पेश करेंगे। अभी तक की स्थिति यह है कि इसमें प्रमेय फसाई जो एविडेंसेस आए थे उनके आधार पर हमने इसमें FIR रजिस्टर कर ली है, और FIR रजिस्टर करके अब जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब इसमें जिन जिन आरोपियों के खिलाफ जो जो सबूत आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएंगी। ठीक है।